अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम फातिमा है। मेरे शौहर का नाम सैयद कलीम है। मैं इंडिया नगर से हूँ। मेरी शादी होके एक साल हो रहा। आप कितने महीनों से आप अपने वालिद के घर पे हैं? 4 महीने से मैं अपने वालिद के घर में हूँ। क्यों है? मेरे शौहर के लोग, मेरा शौहर मेंटली हरासमेंट कर रहे थे मेरे को घर पे। जी क्यों, वजह? उन्होंने 4 शादियां कर ली। तो क्लेम कर रहे हैं कि लड़की वाले के सदर साहब और काजी साहब और दूसरे 3-4 हजरात है, ये लोग की ग्रुप है, एक गैंग है। ये लोग जो है ना जबरदस्ती जबरन शादी करते और जो है ना फिर खुला कराते और इसके एवज में ये लोग जो है ना पैसे तलब करते बोलते। तो ये जो है सदर साहब जो है हमारे और काजी साहब, हमारे सदर साहब के ताल्लुक से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक ऐसे जो है ना ऐसे जो है ना नरम दिल आदमी है, कोई भी जो है ना मसले में कोई भी कुछ खैर का काम हो रहा तो इन्हों मदद के लिए पहुँच जाते वहाँ पे। तो हम लोग जो है ना इस जिम्मन में एल बी नगर पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर CI अशोक रेड्डी साहब को जो है ना एक रिटर्न कंप्लेंट दिए कि ये लोग जो है ना एब्सोल्युटली बेसलेस एलिगेशन लगा इसके अंदर कि सदर साहब जो है ना ऐसा करे, अला करे, फला करे बोल के। तो मैं आपको वजात करना चाह रहा हूँ कि सदर साहब जो है ना ना शादी में थे ना कहीं थे। एक साल के बाद जब इन लोगों का आपसी जो है ना रिलेशन ख़राब हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बुलाए तो गए, इन्हों इनकी तरफ से भी नहीं गए, बुलाया गया तो गए। तो गए फिर जाके जो है ना कोशिश करे कि भाई मसले का हल निकालना हुई। अब वो खैर मसला सुलझाने उलझ गया तो अब लिहाजा वो लोग क्या करें, किसी के जो है ना बातों में आके उकसा के कोई किसी हजरात ने जो है ना सदर साहब को भी जो है ना नाम जबरन उसके अंदर लिया गया। तो और ये लोग अभी इसके अंदर जो है ना बेसलेस क्लेम ये कर रहे हैं कि बच्चे की जो है ना शादी पहले हुई सो हमको नहीं मालूम बोल के बोल रहे हैं। तो ये निकाहनामा है, निकाहनामे के अंदर यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है अकदे सानी बोल के सेकेंड मैरिज, ये लड़की के उसके ऊपर आता है। लड़की की भी सेकेंड मैरिज है, लड़के की भी सेकेंड मैरिज है। खैर लड़का और 2 शादी करा करते उसका हमको जो है ना इल्म नहीं है। हमारे इल्म में तो एक बच्चे की दूसरी मैरिज है बल्कि मालूम था, लेकिन उन्हें दूसरी नहीं बल्कि 4थी शादी है कहते। तो इस जिमन में जो है ना एल बी नगर पुलिस स्टेशन अशोक रेड्डी साहब को हम लोग कंप्लेंट दिए, ये न्यूज़ चैनल के ऊपर और ये जनाब उस्मान साहब के ऊपर, दोनों के ऊपर जो है ना ये जो फॉल्स एलिगेशंस लगाए इसके खिलाफ कंप्लेंट दिए कि गैर ज़रूरी आप किसी शख्सियत के ऊपर जो है ना ऐसा अटैक नहीं कर सकते। हम एज ए इंसानियत ऐसे जो है ना जिम्मेदार आदमी बड़े होने के नाते आपके पास आए, मसले का हल करने की कोशिश करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है ना इनके ऊपर उठा जो है फॉल्स एलिगेशन लगा के केस बुक कर रहे हैं, ये गलत है। तो यही जो है ना एक मजम्मती जो है ना बयान हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन के लिए देने का था, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो रही खासतौर पर एल बी नगर PS लिमिट्स में। तो यही आपसे बताना चाह रहा था कि हम लोग इसके जो है ना जवाब में हम लोग कंप्लेंट दिए, आगे फर्दर क्या भी होगा उसका भी इंशाल्लाह ताला अपडेट देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।